किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम है, जरा आप हमको हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरीके से आज आप लोगों ने यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम करवाया है और पहला काउंटर ये, इस पहले काउंटर में क्या है? जिंदे व्यापारी संघ का एक ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जिसमें वो अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा के लोगों के नाम पते आधार कार्ड लिख करके एक पर्ची इशू कर रहे हैं, जो पर्ची जा करके वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है जो मोबाइल पर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके आगे की प्रक्रिया के लिए आगे का सफ़र हम लोग तय करते हैं। यहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जिस तरीके से आप लोग ये काम करवा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन के पहले दिन आपको अच्छा रिस्पांस मिला? हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये काउंटर नंबर 2 है, यहाँ पर बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पर क्या किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या तैयारियाँ कर रहे हैं आप? जो 18 प्लस है उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो भी कर रहे हैं, और जो है ऑन द स्पॉट भी हो रहा है उनका यहाँ पर। ऑन द स्पॉट, क्या नाम है आपका? दीपिका तिवारी। इस काउंटर पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद 18 साल की उम्र के लोगों का तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर ही रहे हैं, उसके ऊपर का भी हो रहा है, ऊपर का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर आप लोग किस लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? 45 प्लस। तो जो तत्काल रजिस्ट्रेशन और तत्काल वैक्सीनेशन, क्या नाम है आपका? मनीषा पटेल। तत्काल रजिस्ट्रेशन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों की थी, तत्काल रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर हम ऊपर आएंगे, और मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, लगातार चाहे 18 साल के उम्र से ज़्यादा लोग हों, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, ये ओपन काउंटर है, ओपन काउंटर का सीधा सा मतलब ये हुआ, व्यापारियों ने लगातार इस बात का ख्याल किया है कि हम वैक्सीनेशन सबका कराएं। जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है, और लगातार मैं कोशिश करूँगा कुछ लोगों से बातचीत भी करने की, और पहले मैं एक काउंटर पर आपको और ले कर चलता हूँ। इस यहाँ पर आप लोग किसको इंजेक्शन लगा रहे हैं? 45 से ऊपर वालों। 45 से ऊपर, इस काउंटर में 45 से ऊपर वालों का इंजेक्शन लग रहा, इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पर आप आइए और कोई भी व्यक्ति आए, सबका इंजेक्शन आज लग जाएगा। हमको एक संदेश मिला कि कोविड शील्ड लगवाना जरूरी है, और व्यापारियों के लिए, व्यापारी क्योंकि सबसे उस दायरे में आते हैं कि जनता से जुड़े रहते हैं, इसलिए हमने शुरुआत की। केवल आधार कार्ड के जरिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया और टीके लगाना शुरू किया। आधार कार्ड, केवल आधार कार्ड चाहिए और कोई भी आए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तत्काल लग जाएगा। वैसे ये काउंटर यहाँ से शुरू किया गया है, मुख्य टारगेट किया गया है कि व्यापारी के परिवार और उनके कर्मचारियों को लगाया जाए, उसके अलावा भी लोग आ रहे हैं तो उनको भी किसी को मना नहीं किया जा रहा है, सब लोग आकर के लगवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, शहर का कोई भी व्यक्ति, व्यापारियों द्वारा लगाए गए कैंप में शहर का कोई भी व्यक्ति आए, अपना वैक्सीनेशन कराए। मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं भी जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। जो लोग करा चुके हैं, कहाँ पर आइए, आप लोग को लग गई वैक्सीनेशन, ठीक है। अब हम आप पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ वैक्सीनेशन कराने के बाद कुछ लोग बैठे हैं। वैक्सीनेशन आपने कराया? जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम अंसारी। वैक्सीनेशन के बाद कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। वैक्सीनेशन के बाद किसी तरीके की कोई परेशानी? कोई परेशानी। वैक्सीनेशन के बाद किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं, इसका सीधा सा अर्थ है, आप आइए, निसंकोच रूप से आइए, व्यापारियों के कैंप में आइए, इंजेक्शन लगवाइए। जैसा कि अभी तक के कोरोना को लेकर रिसर्च में ये बात सबसे पहले निकल कर आई है कि अगर आपने वैक्सीनेशन करा लिया है तो 100% ये कहा जा सकता है आपका उस तरीके से हाल नहीं होगा, आप निश्चित रूप से मौत के मुंह में नहीं जाएंगे। वैक्सीनेशन की सबसे खास बात यही है। यहाँ कुछ लड़कियाँ भी, महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। वैक्सीनेशन आपने कराया, किसी तरीके का भय लग था? नहीं। क्या नाम है आपका? राधा गुप्ता।
अब आप जिनने वैक्सीनेशन नहीं लगाया उनको कुछ कहेंगी? उसके उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, अच्छे से लगाएंगे वो। लगवाना चाहिए सबको? हाँ, लगवाना चाहिए। क्या वैक्सीनेशन जिनने नहीं करवाया उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए? हाँ, करवाना चाहिए, जिससे दूसरों को भी सुरक्षा मिलेगी और हमें भी सुरक्षा मिलेगी, हमारी फैमिली सुरक्षित रहेगी। सबको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। दूसरों को भी सुरक्षा मिलेगी, हमें तो सुरक्षा मिलेगी वैक्सीनेशन कराने के बाद, कुछ इस तरीके से लोगों का कहना था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हम वापस वहीं पर आ गए हैं जहां से हमने इस कार्यक्रम का आगाज़ किया था। ये था रजिस्ट्रेशन काउंटर। जाते समय तो यहां पर्ची दी गई, लेकिन लौटते समय यहां लोगों को फल दिया गया, पीने के लिए कुछ पेय पदार्थ दिया गया। इसका सीधा सा अर्थ है व्यापारियों ने यहाँ जो वैक्सीनेशन कराने आ रहे थे उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करके रखा था। इंजेक्शन लगवाइए, 5 मिनट रेस्ट करिए, कुछ हल्का सा भोजन लीजिए, उसके बाद अपने घर की ओर रवाना करिए। साथ ही अपने घर के आसपास के दूसरे लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए इस जगह पर भेजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।